बात जो है ना, जो शहरीकरण, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन जिसे आप कहते हैं बिहार में परसेंटेज उसकी लेस है, तो जहाँ अर्बनाइजेशन कम होता है वहाँ रूरल एरिया की रिपोर्टिंग या रूरल एरिया में जो काम होते हैं वो हाईलाइट भी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ये उसके साथ एक फॉलआउट है, ये उसका कॉरोलरी है। जब थ्योरम ये बनता है कि अर्बनाइजेशन उस लेवल पर नहीं पहुँचा है तो वहाँ पर उतना ज़्यादा कवरेज या वहाँ पर उतना ज़्यादा लोगों की उस तरह से, बिकॉज हम कोई भी कार्य करते हैं हमारा अधिकतर जितना भी प्रयास होता है, शारीरिक प्रयास हो या हमारे फंड्स डिप्लॉयमेंट हो, हमारे पास पीआर पे रुपया खर्च करने का, पब्लिसिटी पे रुपया खर्च करने का हमारे पास रुपया नहीं बचता है। आज जो प्रेस हमको कवर करती है, जो प्रेस रिस्पॉन्सिबल प्रेस है, आज आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस हैं, जो उनको कवर करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, उन्हीं के थ्रू लोगों तक हमारी बात पहुंच पाती है। क्योंकि हमारे पास, हम तो फंड रेजिंग करके लोगों से पैसा लेकर, हमारे सदस्य जो हैं खुद से अपने और अपने परिवार वालों से कंट्रीब्यूट कर कर ये सारा पैसा इकट्ठा करके अच्छे कार्य करते हैं, जो सेवा के कार्य करते हैं। सो आवर फंड्स आर एक्सट्रीमली लिमिटेड टू अदरवाइज लार्ज पब्लिसिटी। तो वहाँ पर वो जरूर हम सफ़र करते हैं, लेकिन वो शायद हम ही नहीं, जो लोग भी अच्छा काम करते हैं, जो लोग भी समाज के हित में ऐसे कार्य करते हैं, वी रियली डू नॉट हैव वेरी लार्ज फंड्स फॉर पब्लिसिटी, इसलिए बातें आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। लेकिन अगर आप कोरोना काल में ही देखें, जिस तरह से छोटी सी छोटी जगह पर भी लायंस ने जहां तक हो सका खाना पहुंचाने की डेली बेसिस में, कोई क्लब 200 को दे रही है और दे रही है तो 6-8 महीने तक 200 आदमियों का खाना देती रही, कोई 400 का दे रही है, कोई 500 का दे रही है और 6-8 महीने तक काम चलता रहा। हमारे कंसंट्रेटर्स दिए जाते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाते रहे, किसी क्लब ने 15 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑक्सीजन बैंक बना रखा है, किसी ने 25 का बना रखा है, किसी ने 40 का बना रखा है, कई क्लबों ने 15 से 20 कंसंट्रेटर इकट्ठे किए, वहाँ से कार्य करने शुरू किए। देवर अनकाउंटेबल। और जब ये कार्य शुरू हुआ था हमको भी विश्वास नहीं था कि इतना ज़्यादा हम कर पाएंगे, लेकिन उस समय एक अलग ही एक स्पिरिट, एक अलग ही भावना हमारे भी सदस्यों के बीच में आई थी कि आज तो एग्जिस्टेंस जो है, इंसान का बचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। तो लायंस क्लबों ने कार्य किए, हमें हमारे भारतवर्ष के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे मेंबर्स के साथ में एक बहुत बड़ा वेबिनार किया था, तकरीबन हमारे 1000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उस वेबिनार पे जुड़े थे। और उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि लायंस क्लब में बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, जो नेटवर्क हमारा सारे देश में जो नेटवर्क था, हम इस तरह का काम ये कर पा रहे थे। सो दैट वर्क हैज़ बीन ट्रिमेंडस व्हाट वी हैव डन, बट देन दैट वॉज द नीड, वो ज़रूरत थी। एंड हमें खुशी है कि उस ज़रूरत के समय हमारे तमाम सदस्य और हमारी क्लबें कुछ ना कुछ कर पाएं। ये बात एकदम सही है कि आज सारे समाज की, हर सरकार की, लोगों की लायंस क्लब से जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएं हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि गए पिछले कई शतक में लायंस क्लबों ने गजब का काम किया है। हमारे बिहार राज्य में, सारे देश में, सारे संसार में, जहाँ प्राय 200 देशों में लायंस क्लबें हैं, जिस तरह का गजब का काम हमारे लायन बंधु करते आए हैं, इसी कारण से समाज की अपेक्षाएं हमसे बढ़ रही हैं। तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं, तैयार हो रहे हैं, हमारी गिनती बढ़ रही है, हमारी क्लबों की संख्या बढ़ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने तमाम मेंबर्स को पूरी ट्रेनिंग देते रहते हैं, एक साथ काम करने की, टीम वर्क में काम करने की, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने की, इस तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। और हम जहाँ जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह के काम कर रहे हैं। आज बिहार राज्य में हमारे कई लायंस के अस्पताल चल रहे हैं, आज पटना शहर में भी हमारे लायंस के आँखों का बहुत बड़ा काम होता है, लायंस रिसाई हॉस्पिटल जो है वहाँ कार्य होते हैं, अन्य कई जगहों में, अन्य कई शहरों में लायंस के अपने हॉस्पिटल्स हैं, लायंस के अपने स्कूल्स हैं, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लायंस वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं और समय समय के अनुसार जिस तरह से भी चुनौतियाँ आती हैं सामने, उसमें लायंस अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और समाज के जितने भी अन्य संस्थाएं हैं और सरकार है, सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।